हलचलें तेज हो चुकी हैं और इसी हलचल के बीच में महागठबंधन को तोड़ने की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी का जो महागठबंधन है उसे तोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के पैंतरे आजमाती हुई नजर आती है। कभी नीतीश कुमार पर उनकी नीतियों को लेकर आरोप लगाए जाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा जाता है। अब इसी शिकंजे के तहत लालू परिवार में जहां एक तरफ खुशियों की लहर दौड़ी है, जहां एक बेटी ने जन्म लिया है, तेजस्वी यादव पिता बन जाते हैं एक नन्ही परी के, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर मंडराती हुई नजर आ रही है गिरफ्तारी की तलवार। लेकिन इसी के साथ साथ लालू के पास भी यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है लालू प्रसाद यादव को, उनकी पत्नी को और उनकी बेटी को। इन्हीं चीज़ों को लेकर उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार मंडराती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और लगातार आपको बता दें कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जिस तरीके से आरजेडी पर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं ये आपने बखूबी देखा होगा। तो अब ऐसे में यहाँ पर सुशील मोदी एक बयान पेश करते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांग लेते तो उनकी गिरफ्तारी टल सकती है, लेकिन लालू परिवार माफ़ी मांगने पर अटा नहीं है, जुटा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर घमंड है। अब इसी घमंड को लेकर वो बोलते हैं कि यहाँ पर लालू परिवार सामने तो तेज तर्रार दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे जाकर म्याव म्याव करने लग जाते हैं। क्या कुछ सुशील मोदी ने कहा है देखिए इस वीडियो में। सिंह के ही सबूत के आधार पर अब सीबीआई कार्रवाई कर रही है, इसने इतने पुख्ता सबूत है, इनको आगे भी कई बार सीबीआई के सामने जाना पड़ सकता है, इसका क्या हसरा होगा कोई नहीं जानता है। सीबीआई ने कल इतना कहा अभी तक कि इस महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ये जोर जोर से चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, अरे मत झुकिए, नहीं झुके तभी तो लालू जी को चार मामलों में सजा हो गई ना, इसका झुकने से बाकी से क्या संबंध है। इसे मैंने कहा कि शेर के समान बाहर गुर्राते हैं लेकिन भीतर जाकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं और म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा, खास तौर पर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है, तमाम चीज़ें वो बोलते हुए इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए जेल का रास्ता अभी उनके लिए खुला हुआ है क्योंकि अभी सुनवाई होनी बाकी है। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी, क्या इस शिकंजे में लालू प्रसाद यादव भी घिरते हुए नजर आएंगे, क्या है आपका कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।